देहरादून में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला। भूमाफियाओं की शह पर खालंगा युद्ध स्मारक के पास लोगों ने अतिक्रमण करना शुरू कर दिया था, जिसे बुलडोजर ने नेस्तनाबूत कर दिया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में करोड़ों रुपए की बेशकीमती सरकारी जमीन को खुर्द बुर्द करने का काम तेजी से चल रहा है। नाले के आसपास की जमीनों पर प्रॉपर्टी डीलरों की गिद्ध दृष्टि लगी है। ऐसे में जिलाधिकारी सोनिका के निर्देश पर नगर निगम और राजस्व विभाग के अफसरों ने जिले के कई हिस्सों से सरकारी भूमि के कब्जे हटवाए। आज दून के सहस्त्रधारा रोड पर खालंगा युद्ध स्मारक से लगी भूमि के अतिक्रमण पर नगर निगम का बुलडोजर चला। सहस्त्रधारा रोड एकता विहार से लगी यह सरकारी भूमि पहले तरला अम्बाला में ग्राम समाज के अधीन थी, परंतु नगर निगम का विस्तारीकरण होने से यह क्षेत्र अब निगम के अधीन आ गया है। जबकि इस भूमि की एक और धरना स्थल बना हुआ है और नियम के अनुसार खालंगा राष्ट्रीय स्मारक है और उसके 100 मीटर के दायरे में इस तरह के निर्माण होना अवैधानिक है। कुछ दिन पूर्व भी नगर निगम ने यहाँ बुलडोजर लगाकर अतिक्रमण को तोड़ा था, लेकिन फिर से खालंगा से लगी इस भूमि पर अतिक्रमण होना शुरू हो गया। नगर निगम ने फिर से कार्रवाई की और अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। महापौर सुनील उनियाल गामा का साफ कहना है कि नगर निगम अपनी भूमि पर किसी भी हालत में अतिक्रमण नहीं होने देगा। कोई कब्जा किसी को नहीं करने देंगे, उसके लिए अगर कोई हमारा खामियाजा भुगतना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ। नगर निगम की संपत्ति कोई भी कब्जा करेगा उसे किसी कीमत पे कब्जा नहीं होने दूंगा जब तक मैं हूँ। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार के प्रथम सिंगरौली आगमन पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक राजेंद्र सिंह परमार, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सिंगरौली। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।